हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की एक और फ्रेश वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। मेरा नाम अमित है और आप देख रहे हैं एडवाइस एक्सप्रेस। दोस्तों, यदि आपका बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI में है, यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से नया अपडेट जारी किया गया है। यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने काफ़ी बड़ा बदलाव करने जा रहा है, जो कि 18 सितम्बर 2020 से लागू हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ क्या क्या नियम यहां पर लागू होने वाला है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, यहां पर आप लोगों को बता दें कि यदि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ATM कार्ड से SBI के ATM मशीन से पैसा निकालने जाएंगे, तो आपको ATM कार्ड के साथ साथ मोबाइल भी लेके जाना होगा, क्योंकि अब आप बिना OTP के निकासी नहीं कर पाएंगे, ATM से पैसा नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा आप निकालने की कोशिश करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर 10,000 या 10,000 से ज़्यादा की निकासी करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपने दिया है, उस मोबाइल नंबर पर OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को आप ATM मशीन में डालेंगे, उसके बाद ही आपका पैसा निकासी होगा। यहाँ पर आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि यह नियम आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पहले ही जारी कर दिया था, जिसमें कि रात में 8 बजे से लेकर के सुबह में 10 बजे तक ये नियम लागू किया गया था। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 18 सितंबर 2020 से इसे 2400 घंटे और 7 दिन लागू करने का फैसला किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ATM कार्ड से SBI के ATM मशीन से पैसा निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को अब आप ATM मशीन में टाइप करेंगे, उसके बाद ही आपका पैसा निकलेगा। अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि हम 10,000 से कम निकालेंगे, जैसे कि हम 5,000 रुपये निकालेंगे, तो क्या हमें OTP की ज़रूरत पड़ेगी? तो फिलहाल अभी ये OTP की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 10,000 से ज़्यादा या फिर 10,000 तक आप निकालते हैं तो ही आपको यहाँ पर OTP की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के मन में सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि यदि मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा का ATM कार्ड है या फिर और भी दूसरा बैंक का ATM कार्ड है और हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ATM मशीन से पैसा निकालेंगे तो उसमें भी हमको OTP की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप लोगों को बता दें कि इसमें आपको OTP की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आपको यहाँ पर बिना OTP का ही निकासी हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ATM कार्ड के थ्रू जब आप निकासी करेंगे तो ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP सेंड किया जाएगा और उस OTP को आप ATM मशीन में टाइप करेंगे, उसके बाद ही आपका निकासी होगा। यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि काफ़ी सारे लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा था, काफ़ी सारे लोगों के धोखाधड़ी हो रहा था, इसलिए यह कदम उठाया जा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा नियम हमें भी लग रहा है। यहाँ पर यदि आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं है तो अब आप पैसा के निकाल नहीं सकते हैं। तो अभी यदि आप अभी तक आप अपने अकाउंट में मोबाइल नंबर को लिंक नहीं करवाए हैं तो आज ही अपने बैंक अकाउंट में जा कर के रजिस्टर्ड करवा लीजिए अपना मोबाइल नंबर, उसके बाद ही अब आप ATM से पैसा निकाल पाएंगे। हो सकता है भविष्य में सारे बैंक ले आए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे फ्रॉड हो रहा है, काफ़ी सारे लोगों के साथ ये फ्रॉड हो रहा था। तो यहाँ पर नियम क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं ये खबर छपी हुई है। अगर आप डेबिट कार्ड के जरिए ATM से पैसे की निकासी करने जा रहे हैं तो अभी से आप अपने साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ले जाना मत भूलिए। इसका कारण है, और बहुत बड़ा कारण है, वह यह है कि अब बिना रजिस्टर्ड मोबाइल के आप ATM से पैसे की निकासी नहीं कर सकेंगे। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक SBI ATM से पैसों की निकासी को लेकर आगामी 18 सितंबर से नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। नियमों में बदलाव के बाद SBI का कोई भी ग्राहक साथ में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ले जाए बिना ATM से पैसों की निकासी नहीं कर सकेगा। बैंक की ओर से यह कदम ग्राहकों के साथ होने वाले धोखाधड़ी को रोकने के लिए उठाया जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है क्या होगा नियम। यहाँ पर देखिए, SBI द्वारा ATM से पैसों की निकासी के लिए आगामी 18 सितंबर से नियमों में बदलाव किए जाने के बाद उसका कोई भी ग्राहक जब अपने साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ले जाएगा तभी पैसा निकल सकेगा, क्योंकि ATM से होने वाले अनऑथराइज ट्रांजैक्शन में कमी लाने के मकसद से SBI ने वन टाइम पासवर्ड यानी कि OTP आधारित ATM से निकासी सुविधा को
चौबीसों घंटे लागू करने का फैसला किया है। यह सुविधा देश भर के सभी SBI ATM पर लागू होगी, यानी कि SBI के जितने भी ATM हैं उस सभी में आपको ये नियम लागू हो जाएगा। इससे पहले बैंक ने 10,000 रुपये से ज़्यादा की निकासी पर ओटीपी आधारित नगदी निकासी को रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक पेश किया था। यह नियम 1 जनवरी से लागू किया गया था। अब इस सुविधा का विस्तार किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जो लिखा गया है, अब 10,000 रुपये से ज़्यादा की राशि के लिए SBI के डेबिट कार्ड धारकों को हर बार अपने डेबिट कार्ड पिन के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा, OTP डालना होगा। बैंक की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि 2400 घंटे और 7 दिन आपको OTP आधारित नकदी निकासी की सुविधा को पेश करने के साथ SBI ने ATM नकदी लेन देन में अपनी सुरक्षा के स्तर को और मजबूत किया है। बैंक के मुताबिक इस सुविधा को पूरा दिन लागू करने से SBI डेबिट कार्ड धारक धोखाधड़ी और प्रमाणित निकासी कार्ड स्कीमिंग कार्ड क्लोनिंग आदि का शिकार होने से बच सकेंगे। यानी कि अब आप यहां पर मोबाइल नंबर को अपडेट कराना जरूरी हो गया है, मोबाइल नंबर आपको अपने अकाउंट के साथ लिंक कराना जरूरी हो गया है। काफ़ी सारे लोग अभी भी अपने अकाउंट में मोबाइल नंबर को लिंक नहीं किए हैं, तो उनसे अनुरोध है कि अब आप यहां पर मोबाइल नंबर लिंक करा लीजिए। इसके बाद यहां पर बताया गया है कैसे निकलेगा OTP से पैसा। बैंक की इस सुविधा के जरिए SBI ATM से नकदी निकासी की प्रक्रिया मौजूदा प्रक्रिया से बहुत ज़्यादा अलग नहीं होगी। OTP आधारित निकासी सुविधा SBI कार्ड से अन्य बैंक के ATM से नकदी निकासी पर लागू नहीं होगी। मतलब यहाँ पर यदि आपके पास स्टेट बैंक यहाँ पर मतलब यहाँ पर यदि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ATM कार्ड को किसी दूसरे ATM मशीन से पैसा निकालेंगे, जैसे कि ICICI बैंक के ATM से, बैंक ऑफ बड़ौदा के ATM से, या फिर HDFC बैंक के ATM से पैसा की निकासी करेंगे, तो वहाँ पर आपको OTP की ज़रूरत नहीं होगी। वहाँ पर बिना OTP के ही आप निकालेंगे। ये सिर्फ आपको SBI के ATM में लागू होगा। यहाँ पर बताया गया कि OTP आधारित प्रक्रिया के तहत जब कार्डधारक SBI ATM में निकालने जाने वाली राशि डालेगा तो ATM स्क्रीन पर OTP डालने का विकल्प सामने आ जाएगा। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर बैंक की ओर से भेजे गए OTP डालने के बाद पैसे की निकासी हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर अब आप जब भी SBI के ATM से पैसा निकालने जाएं तो अपना मोबाइल ले करके जाएं, क्योंकि बिना मोबाइल के अब आप पैसा नहीं निकाल पाएंगे। उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये जानकारियाँ काफ़ी लाभदायक लगी होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।